सोनी टीवी पर आने वाले नए शो यशोमती मैया के नंदलाला में लीड किरदार यानी कि यशोदा माँ का किरदार निभाने जा रही अभिनेत्री नेहा सरगम से आज सास बहू और बेटियां करेगा खास मुलाकात। वृंदावन की पावन धरती पर होगा शो का लॉन्च। नेहा सरगम से कैसे बनेंगी नेहा यशोमती मैया, करेंगे वृंदावन के 400 साल पुराने मंदिर श्री राधा रमण के दर्शन, जानेंगे नेहा से उनके दिल की आस्था, मुरली वाले का मिलेगा नेहा को आशीर्वाद और होगी सास बहू संग ढेर सारी बात। जी हाँ, सोनी टीवी पर जल्द आने वाला है एक मायथो सीरियल जिसका नाम होगा यशोमती मैया के नंदलाला और इसी प्रमोशन के सिलसिले में नेहा सरगम पहुंच गई हैं वृंदावन जहां पर शो का किया जाएगा लॉन्च। लेकिन लॉन्च से पहले सास बहू और बेटियां नेहा सरगम से मिलने उनके होटल के रूम पर पहुंचा जहां नेहा ने किया हमारा स्वागत। हाय, हाय, वेलकम टू वृंदावन। आई शुड बी से चलो, क्या हो रहा है नेहा, यहां पर क्या कर रहे हो? हम देखिए, आप देखते जाइए हम क्या क्या कर रहे हैं, आ जाइए। काफी मिस्ट्री है यहां पर और आपका अलग ही अवतार देखा जाएगा। क्या कुछ होने वाला है यहां पे? अलग अवतार देखा जाएगा ऑफ कोर्स एज नेहा, लेकिन जब आप हमारे वाले वृंदावन और गोकुल में आएंगे तो आपको थोड़ा और एक अलग अवतार दिखेगा, पर आज आप नेहा का प्रमोशन वाला अवतार देखेंगे। आज सास बहू और बेटियां के संग नेहा सरगम का दिन बहुत बिजी रहने वाला है। नेहा सुबह वृंदावन के दर्शन के लिए तैयार हो रही हैं और शुरू किया जा रहा है उनका आज का मेकअप। क्योंकि मैं शो के लिए मोस्टली इतनी रेडी नहीं होती, आई हैव अ वेरी सिंपल लुक। मतलब मैं आती हूँ आईज वाइज, आप अगर प्रोमो भी देखेंगे तो दे आर नॉट रियली डन। तो आज थोड़ा स्पेशल ओकेजन, मैंने थोड़ा सा आई शैडो लगाया है, तो प्रमोशन में बस वो एक चेंज है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग वृंदावन आए और कल जब मैं वृंदावन पहुँची, आई डोंट नो, समथिंग चेंज्ड, देयर इज समथिंग एल्स इन द एयर, कुछ कृष्ण की हवा है, तो उसकी वजह से थोड़ा एक ना इंसान थोड़ा वो मोड में आ जाता है, कृष्ण भक्ति वाले मोड में आई थिंक, एंड वो एक अलग चीज़ थी। सो टू कम इस पायस यू नो भूमि पे आकर के टू प्रमोट अ शो विच इज़ बेस्ड ऑन यशोदा एंड कृष्ण, यशोमती मैया के नंदलाल, वो एक चीज़ जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं हमेशा सोशल मीडिया पे वीडियोस देखती रहती हूँ वृंदावन के, जो सब कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं, मुझे बहुत, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी ऑल दैट। और उससे भी ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं अपने जो मीडिया वाले दोस्त हैं सबसे मिलके, सबके चेहरे वापस से सालों बाद देख के बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे तो। कौन सा जी? अभी तो देखिए, आई हैव ट्राइड कि मैं उसको सिंपल रखूं, क्योंकि हम मंदिर में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तामझाम ना हो, तो सिंपल कॉटन वेयर, क्योंकि गर्मी बहुत है तो उस वजह से हम सिंपल ही कपड़े पहनने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज सिंपलिसिटी में पूजा करने का आनंद ही अलग होता है। सो मैं जूड़ा बना रही हूँ, अच्छा सा जूड़ा बनवा रही हूँ और गजरा लगाऊंगी। जी, जो आप देखेंगे। हेयर और मेकअप होने के बाद नेहा ने पहना नंदलाला का सबसे फेवरेट कलर और इस सलवार कमीज में नेहा सरगम लग रही हैं बेहद ही संस्कारी और खूबसूरत भी। बांके बिहारी की नगरी में आने के बाद अगर उनका आशीर्वाद ना लिया जाए तो दिन की शुरुआत भला अच्छी कैसे हो सकती है। तो अपने दिन की शुभ और अच्छी शुरुआत के लिए हम नेहा सरगम के साथ निकल पड़े वृंदावन के मशहूर मंदिर प्रेम मंदिर की तरफ, जिनके दर्शन के लिए नेहा सरगम लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी। और आज देखिए, बांके बिहारी ने अपनी रील माँ यानी कि यशोमती मैया को बुला लिया उनसे मिलने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम कार में बैठ चुके हैं और हम जा रहे हैं, दादा बंद कर दीजिए प्लीज,
और हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर, ठीक है। और मैं मेरी यशोदा माता के साथ हूँ, मेरी माँ और ये यशोदा रील वाली है, मैं रियल यशोदा के साथ हूँ। तो चलिए। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। मैंने वृंदावन हमेशा ऐसे वीडियोस वर्चुअली देखा है और कल हम लोग कल वृंदावन पहुँचे हैं, और आते ही वृंदावन एंटर करते ही हवा में जैसे कान्हा थे, यू नो कान्हा है, और एक अजीब सी फीलिंग आई। और आज दर्शन करने जा रहे हैं हम प्रेम मंदिर कान्हा के, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और मैं मतलब आप लोग भी हमारे साथ चल रहे हैं वो और भी अच्छा लग रहा है, तो साथ में दर्शन करेंगे और देखते हैं। वेरी एक्साइटेड। वृंदावन के इस खास टीके से सजा नेहा सरगम का माथा, और अपने फैंस के बीच अपने सबसे बड़े आराध्य के दर्शन आज नेहा के हो ही गए। भाई कहा जाता है कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत भगवान का नाम लेकर करनी चाहिए, और यहाँ तो नेहा सरगम खुद यशोमती मैया का किरदार निभा रही हैं और कहानी कान्हा से जुड़ी हुई है। तो कान्हा की इस नगरी में नेहा के हो गए बांके बिहारी के दर्शन और मिल गया उन्हें आशीर्वाद। तो अब मौका है शो के लॉन्च का। सोनी टीवी पर आने वाले इस नए सीरियल का सबसे पहले एक प्रोमो दिखाया गया जो कि काफी मन लुभावना था, और इसके बाद नेहा सरगम ने अपने किरदार यशोमती मैया का बखान किया और अपने फैंस और चाहने वालों को ये बताया कि उनके लिए श्री कृष्ण कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस शो से जुड़ने की उनकी वजह क्या क्या है। राधे राधे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, मैंने भी पहली बार देखा है। ओके, तो जैसा कि आप सबने देखा, यशोमती मैया की ममता का आनंद उठाने आ रहे हैं नंदलाला, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आए, क्योंकि मीडिया का हम सबके साथ होना बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक यू। जय कन्हैया लाल की। थैंक यू, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ऑफ कोर्स आप जिस चीज़ में मेहनत डालते हैं, अपना सब कुछ डाल देते हैं, तन मन धन, वो स्पेशल हो ही जाता है। आई थिंक सेम गोज विद यशोमती मैया के नंदलाल। प्रॉबेबली दी अदर वे अराउंड, दैट कैरेक्टर चोज मी, क्योंकि मैं तो शायद बहुत मूड में नहीं थी ये टीवी का एक और शो लेने के, लेकिन जब मैंने कैरेक्टर के बारे में सुना, जब मैंने सीन्स किए पढ़ा, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। एंड द फैक्ट दैट द डायरेक्टर एंड एवरी वन द टीम वॉज लाइक, यू नो आप जैसी हो वैसा ही है, बस उसमें ब्रज डाल दो, थोड़े से मैया के वो डाल दो, बट दैट्स इट, अदरवाइज रेस्ट इज़ यू। आई लाइक ओके। ब्रज की लैंग्वेज भी काफ़ी कितना डिफिकल्ट था वो कैरी करना, क्योंकि हम वो टंग भी अगर कैरी करना काफ़ी मुश्किल है। द डायलैक्ट ऑफ कोर्स, बट द लैंग्वेज जिस तरह से ये
ओ ज़्यादा लगाते हैं ना हर वर्ड के बाद, वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, टू बी वेरी ऑनेस्ट इट वॉज डिफ़िकल्ट. बट करते 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 एंड मेरा मेन फोकस वॉज कि मैं इस तरह से बोलूँ कि ये ना लगे कि मैं बफ़र कर रही हूँ, कि मैं हिंदी में सोच रही हूँ और ब्रज में बोल रही हूँ. तो ये मेरा मेन फोकस था कि मैं कोशिश करूँ ऐसा साउंड करे कि मैं उसी भाषा में सोच रही हूँ. बचपन से जो हम देखते आए हैं ऑफकोर्स हम जानते हैं बेसिक जो एक नरेशन है, एक कैरेक्टर है जो हमें पता है, बेसिक तो हम जानते हैं. बट मेरा वर्क मोस्टली मेरे ही ऊपर था. द मोर जेन्युइन आई लुक, द मोर मतलब जितना नेचुरल हो सके, जितना जेन्युइन हो सके, चाहे वो थोड़ी अगर लाउड भी हो रही है पर उसमें भी एक वो ऑर्गेनिक लगे और जेन्युइन लगे, कि वो लाउड भी हो रही है पर वो ऐसी ही है, वो ऐसा ना लगे कि ये तो टीवी वाला लाउड है, वो ऐसा ना लगे. दैट हैज़ बीन माय प्रेरोगेटिव और वो मैं कोशिश यही कर रही हूँ अपने तरीके से कि वो काफ़ी रिलेटेबल लगे. ये तो टाइम बताएगा कितना एक्सेप्ट करती है, बट हमारी यही कोशिश है कि हर तरह के ऑडियंस को केटर कर पाएँ. द वन हु लाइक टू वॉच डिवोशनल शोज़, उनके लिए भी वो भी केटर करें. एंड दोज पीपल हु वॉन्ट टू वॉच समथिंग विच इज़ स्लाइटली नेचुरल, थोड़ा मेडअप ना लगे और थोड़ा रिलेटेबल लगे. मैं अपने तरफ से तो यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसी नहीं दिखूँ कि मैं एक एक्टिंग कर रही हूँ. मैंने वही कोशिश की है. सुबह दर्शन और रात को हुए इवेंट के बाद अब मौका था कल की तैयारी का. तो आज के लिए नेहा सरगम को हमने आराम करने दिया और अगली सुबह फिर हम पहुंच गए नेहा के पास वृंदावन की गलियों के दर्शन करने के लिए. तो भाई आज हमें वृंदावन की गलियों में घूमना है और इस भीषण गर्मी का सामना भी करना है, इसीलिए नेहा ने आज पहना है व्हाइट कलर का आउटफिट इस गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए. आज हमारे वृंदावन प्रमोशंस का दूसरा दिन है और आज के दिन की शुरुआत हो रही है. हम राधा रमन मंदिर जा रहे हैं, वहाँ हमें एक्सक्लूसिव आरती और दर्शन का अवसर मिलेगा. तो आई थिंक हम लोग मीडिया भी आई थिंक आ सकती है. थैंक यू, आई लव वाइट और मुझे वाइट पहनना ही था. तो मैंने अपने स्टाइलिस्ट को बोला कि मुझे एक वाइट बना के दे दो यार. आज एक्साइटेड हूँ बहुत सारी चीज़ों के लिए, कि आज पहले तो राधा रमन मंदिर में आरती करेंगे, दर्शन करेंगे और काफ़ी एंशंट है वो मंदिर, करीब करीब 480 ऐसे कुछ साल पुरानी मंदिर है. और वो एक शालिग्राम मिला था और उसके बाद वो अचानक से कुछ उसमें आकार आए हैं और विच इज़ नेचुरली क्रिएटेड मूर्ति. तो उसके दर्शन करूँगी और काफ़ी अच्छा लगेगा. मैंने देखे हैं पिक्चर्स बट अब आज मूर्ति भी देखूंगी और आज मथुरा के पेड़े भी खरीदूंगी. भले ही सीरियल में नेहा सरगम कान्हा की माँ यशोमती मैया का किरदार निभा रही हो, लेकिन रियल लाइफ में ये अपनी रियल माँ का साथ कभी नहीं छोड़ती. चाहे वो शूटिंग हो या फिर किसी मंदिर में जाकर दर्शन करने की बात हो, नेहा हमेशा अपनी माता जी को अपने साथ रखती हैं. तो आज ये माँ बेटी की जोड़ी जा रही है श्री राधा रमण मंदिर, जिसकी वृंदावन में काफी मान्यताएं हैं. दूर दूर से हजारों लाखों सैलानी हर साल यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, क्योंकि मान्यताओं की माने तो श्री राधा रमण मंदिर लगभग 400 साल पुराना मंदिर है. और कहा यह भी जाता है कि मथुरा और वृंदावन आने के बाद अगर श्री राधा रमण मंदिर के दर्शन नहीं हुए तो उनकी ये यात्रा अधूरी रह जाती है. प्रमोशन के साथ साथ एक संस्कारी डे आउट में आज नेहा सरगम ने खूब दिल से की भक्ति और दिया अपने फैंस को ढेर सारा प्यार. अपने फैंस के बीच नेहा सरगम काफी खुश नजर आई. तो मथुरा के मशहूर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ई व्हीकल पर हमने नेहा को वृंदावन की सवारी करवाई. मैं एक्चुअली अगर ये रुकने का सीन नहीं होता या जाने का,
हमारा आज का वो नहीं होता, वो जो शावर चलाया ना मैं भीगती उसमें, नहाती कान्हा के वर्षा में। बिल्कुल मैम, आप क्या कहेंगे, आपने भी एकदम ऐसी पावन धरती पर आकर दर्शन करे, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? और इस सीरियल के दौरान हम लोगों को ये दर्शन का अवसर मिला, तो इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है। बस भगवान सब पे आशीर्वाद बरसाए रखें, सबके सबका सब पे कृपा रखें, और बच्चों खासकर मेरी बेटी का वो यशस्वी करें, उसका खूब मनोकामना सारी मनोकामना पूर्ण करें, स्वस्थ रखें, और बस नेहा साथी ये वृंदावन की गलियां कितना क्या क्या कुछ जहन में आ रहा है, मुझे पता नहीं क्यों बहुत याद आएगा, जबकि मैंने इतना समय नहीं बिताया है यहाँ पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत याद आएगा। एक तो मुझे मेरे गांव की भी याद आ रही है, ऐसी गलियाँ हैं वहाँ भी, तो ना मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। बहुत कम जाती थी मैं दादी के घर, पर ऐसी गलियाँ हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं पहली बार नहीं आई, मैं आई हूँ पहले। पहले की भी बहुत सारी यादें हैं यहाँ पर। ओ इस तरह के गलियों में घूमने की यादें हैं मेरे दादी वाले गांव में, तो अच्छा लग रहा है यार, मैं मिस करूंगी। बिल्कुल सभी मिस करेंगे। आज दूसरा दिन है और बहुत कुछ हमने जाना वृंदावन के बारे में, क्या कुछ आपको स्पेशली जो बहुत ज़्यादा फील करेगा, बहुत जो खास लगा? आज जो दर्शन किए ये काफ़ी एंशंट टेम्पल लगा मुझे अंदर अंदर जाकर, और 480 साल पुराना है, और जो मूर्ति भी है वो अपने आप से आकार ली है उसने, तो वो तो काफ़ी अमेजिंग है, और उसके दर्शन हो गए, इतने अच्छे से दर्शन हो गए, और उनके तरफ से हमें भेंट भी मिला, प्रसाद मिला, बहुत वेरी फॉर्चुनेट, बहुत अच्छा लग रहा है। मैम प्रसाद भी है आपके यहाँ पे, जरा हमें बताइए कि क्या कुछ यहाँ के प्रसाद में भी काफ़ी खासियत है यहाँ पे? हाँ, वो वाला प्रसाद, वो प्रसाद तो भी नहीं है, वो बहुत ही उसमें एक और पैकेट है जिसमें वो ब्रिज की मिट्टी से बना हुआ छोटा छोटा मटका है, वो मटके भी मैं रखने वाली हूँ, और उसमें खीर है। कब खाऊंगी मैं वो? साथ ही मैम ये ऐसी ऑटो में चलना ये कितना एक्साइटिंग हो गया आपके लिए, क्योंकि हमें मौके नहीं मिलते, टाइम में हो गया। हाँ, आपको वक्त नहीं मिल पाते हम इतने मुंबई जैसे शहर में रहने के बाद। हाँ, ऐसे वाले तो है ही नहीं मुंबई में, हमारे यहाँ पर नहीं है, इसमें चलने का भी अलग मजा है। वृंदावन की गलियों का बहुत जिक्र है, जब आप तो कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वृंदावन की गलियाँ जो बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही फेमस है, कि नजर हटती नहीं। जी मैम, तो वो गलियों से भी हमने हो लिए हम लोगों ने हम गुजर लिए वहाँ से। जी बिल्कुल। सो नेहा, नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होने वाली है? हम कहीं अब हम मथुरा की तरफ जाने वाले हैं, और वहाँ पे भी एक मंदिर है, वहाँ दर्शन करने हैं, और बस ऐसे ही दर्शन करते करते हम शायद दिल्ली पहुँच जाएंगे, और वहाँ से फिर उड़ जाएंगे मुंबई। लेकिन 45 बार पारे के बाद यहाँ पर ज्यादा वक्त बिता पाना भाई सबकी बस की बात नहीं, और यहाँ की हीट को बीट करने के लिए हमने पिया गन्ने का रस भी, जो रखता है आपको इस गर्मी में तरोताजा। फाइनली हम लोग वृंदावन से मथुरा आ गए, और मैं जब से वृंदावन एंटर किया था तब से मैं मथुरा के पेड़े कर रही थी, तो फाइनली हमने मथुरा के पेड़े ले लिए, और अब हम निकल रहे हैं वापस, क्योंकि काम भी करना है, शूट भी ज्वाइन करना है, वापस से रिज्यूम करना है, ऐसे कैसे चलेगा तो थैंक यू आप सबका, आप सब ने बहुत साथ दिया। यशोमती मैया के नंदलाल को देखिएगा प्लीज़, हमारा साथ दीजिएगा 13 जून से 9 बजे, प्लीज़ देखिए, और थैंक यू मेरे साथ वृंदावन और मथुरा घूमने के लिए। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने सास बहू और बेटिया टीम के साथ इतना समय बिताया है, मेरे लिए बहुत नॉस्टैल्जिक था, सारे फेमिलियर फेसेस देखने को मिल रहा था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ आप लोग फिर से आइए, और सेट पर भी आइए, मैं आपको अपना गोकुल दिखाऊँगी, अपना गोकुल उधर, और अपना घर दिखाऊँगी
सब लोग प्लीज आइए जी। जो भी सास बहू और बेटियाँ के दर्शक हैं, जो भी मुझे पसंद करते हैं और जो भी यशोमती मैया के नंदलाला के लिए उत्सुक हैं इस शो के लिए, आप सब प्लीज़ देखिएगा ये शो और हमारा साथ दीजिएगा इसी तरह। तो कैसा लगा आपको नेहा सरगम के साथ ये संस्कारी डे आउट, जहां पर रील की यशोमती मैया ने रियल के कान्हा के दर्शन भी किए और उन्हें मिला ढेर सारा आशीर्वाद। जब शो की शुरुआत ही इतनी संस्कारी हुई हो तो आगे भी शो पर कान्हा की कृपा बनी रहे, यही फरियाद लेकर नेहा शर्मा वृंदावन की इस पावन धरती पर आई थी। तो फिर तैयार रहिए कान्हा और उनकी प्यारी यशोदा माँ का एक नया रिश्ता रुपहले पर्दे पर देखने के लिए। वृंदावन से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।